आप सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते निधि जी, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत आपका स्वागत ये मॉर्निंग सेशन में। हम लोग इस काम को कुछ समय से कर ही रहे हैं और इसकी पुष्टि, इसके लिए और क्लैरिटी के लिए हम थोड़ा और समय दे रहे हैं हर स्टेप पे, ताकि हमें और अच्छे से ये पूरी बात को समझने का मौका मिले और हम ये जो ऑब्जर्वेशन है अपने अंदर, इसको हम और अच्छे से गहराई से देख पाए। तो अभ्यास एक में हमने मैं को मैं के द्वारा, चैतन्य को चैतन्य के द्वारा देखने का प्रयास किया था। एक्सरसाइज टू में हम मैं के द्वारा शरीर को देखने का प्रयास कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे में ये पोटेंशियल है कि हम अपने अंदर क्या चल रहा है, मैं में क्या चल रहा है उसको देख पाए, शरीर में क्या चल रहा है उसको देख पाए और बाहर क्या चल रहा है उसको देख पाए, और इस सब को क्या अर्थ हम दे रहे हैं, इसका क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, हम बॉडी को कैसे यूज कर रहे हैं, वो सब हमारे में देखने का पोटेंशियल है। धीरे धीरे जैसे हम इस पर ध्यान देते हैं, दिखेगा कि हम और गहराई में जा पाते हैं, हम क्या देख रहे हैं उसकी क्लैरिटी हमको और अच्छे से होती जाती है। तो एक्सरसाइज टू में जहाँ हम शरीर को और शरीर के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देख रहे हैं, उसमें स्टेप वन में हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं हूँ, है ना? कैसे मालूम है मुझे कि मैं हूँ? मुझे ये दिख रहा है कि मेरे अंदर कुछ क्रियाएं चल रही हैं, मेरे अंदर कुछ भाव चल रहे हैं, मेरे अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ आशाएं हैं, ये मुझे दिखने लगती हैं तो मुझे मालूम हो जाता है कि हाँ मैं हूँ। वरना तो ऐसा भी होता होगा पहले कि मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया इस पर कि मैं एक अलग वास्तविकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम शुरुआत में अपने आप को शरीर ही मान लेते हैं और मैं एक अलग वास्तविकता हूँ इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने अंदर ध्यान देने लगते हैं, हमें दिखने लगता है कि हमारे अंदर ये सब क्रियाएं चल रही हैं, तो हमें ये दिखता है कि मैं हूँ। फिर मुझे ये भी दिखता है कि शरीर भी है, और इसको मैं कैसे जान पाती हूँ कि शरीर है एक और एक वास्तविकता है? तो इसको हम जब इस पर ध्यान देंगे तो हमें दिखेगा कि शरीर में कुछ संवेदना है, उसको मैं पढ़ती हूँ। उस संवेदना को जब मैं पढ़ती हूँ तब मुझे मालूम होता है कि हाँ शरीर भी है। अक्सर हम इस बात को, शायद मैंने कल भी दोहराया होगा इस बात को, कि हम आंखों से शरीर को देखते हैं तो हमें लगता है दिख रहा है इसलिए, लेकिन कौन देख रहा है ना? आंखें शरीर का ही एक भाग है। आंखें देख रही हैं या मैं देख रही हूँ, है ना? मैं आंखों के द्वारा शरीर को देख रही हूँ। आंख शरीर का एक हिस्सा है, उस पर कोई इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है आंख के अंदर, और इससे जो संवेदना पन हुई उसको मैं पढ़ती हूँ, तब मुझे मालूम होता है कि हाँ ये मैंने कुछ देखा, बाहर कुछ देखा या मेरे अंदर कुछ ना, मैंने
मैं एक जगह बैठी हूँ, मैं बिजी हूँ अपने आप, अंदर क्या चल रहा है उसी में बिजी हूँ। मुझे होश ही नहीं होता कि शरीर भी है, लेकिन धीरे धीरे एक ही पोजीशन में बैठे बैठे कहीं पर अकड़न महसूस होती है। तब ध्यान आता है, अरे शरीर को हम दूसरे पोजीशन में रखते हैं, तब ध्यान आता है कि शरीर है। वरना तो कितने बार ऐसे होता है कि हम अपने अंदर बिजी हैं, शरीर है इसका भी हमें ध्यान नहीं होता, होश नहीं होता। ऐसा होता है क्या? आप लोग चैट में इस बात को मेंशन कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने नोट किया है क्या कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ध्यान ही नहीं कि शरीर है भी, है ना? तो इस पर जैसे जैसे हम ध्यान देते हैं, हम अवेयर होते हैं कि हाँ ऐसा होता है, और जब हम ध्यान देना चाहते हैं तो हम ध्यान दे भी पाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हाँ शरीर है। तो Step 2 में हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो शरीर और मेरे बीच ये जो आदान प्रदान हो रहा है, इसका क्या प्रोसेस है। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि मैं शरीर को कुछ संकेत देता हूँ या देती हूँ, जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है किसी समय पर, उसके बेसिस पे मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया। जो भी, अगर मुझे कहीं जाना है, मैंने शरीर को संकेत दिया कि उठो भाई चलो उधर तक चलो, मुझे वहां से कुछ दवाई लेके आना है या कुछ मिठाई लेके आना है या कुछ सब्जी खरीदना है, तो चलो बाजार चलो, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, है ना? और शरीर ने फॉलो किया। तो ये मैंने संकेत दिया और शरीर ने उसको पूरा किया। तो जो मैंने संकेत दिया, ये एक प्रकार से एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है ना? सिमिलरली शरीर के अंदर बहुत सारी संवेदनाएं उठ रही हैं, शरीर में बहुत से प्रोसेसेस चल रहे हैं। जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी आर्टरीज में वेन्स में ब्लड दौड़ रहा है, हार्ट में पंपिंग हो रही है, लंग्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं शरीर के अंदर। उसके तहत कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं। क्या हम हर संवेदना को अटेंशन देते हैं? नहीं, हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है, जब इम्पोर्टेंट लगता है उस समय हम उस संवेदना पर हमारा ध्यान जाता है, फिर हम उस संवेदना को पढ़ते हैं। उसका आगे हम देखेंगे, हम कुछ अर्थ निकालते हैं और उसके बेसिस पर फिर हम बॉडी को कुछ संकेत देते हैं। तो ये जो संवेदना पढ़ना है, ये संवेदना भी एक सूचना है। तो ध्यान देंगे तो मैं और शरीर के बीच ये जो भी आदान प्रदान हो रहा है, ये सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान है। इसमें कुछ भी फिजिकल या फिजियोकेमिकल, कुछ भी भौतिक रासायनिक, कुछ भी एक्सचेंज नहीं है। ये सिंपली सूचना का एक्सचेंज है। ये हम कोशिश कर रहे थे स्टेप 2 में देखने का। स्टेप 3 में हम देख रहे थे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, कि ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, इसमें निर्णय कौन ले रहा है? शरीर ले रहा है या मैं निर्णय ले रही हूँ? तो इसमें हमने कोशिश करी ये देखने की कि निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। जब जब शरीर को संकेत देना होता है, क्या संकेत देना है वो मेरे अंदर, मैं उस पर विचार करती हूँ और फिर उसके बाद शरीर को कुछ संकेत देती हूँ, है ना? तो क्या संकेत देना है, कब क्या संकेत देना है, ये सब
डिसीजन जो है, ये सब जो निर्णय है वो मैं लेती हूँ, सेल्फ। संवेदनाएं भी शरीर में बहुत सी उठ रही हैं, कौन सी संवेदना को कब पढ़ना है, कौन सी संवेदना को छोड़ के दूसरी संवेदना को पढ़ना है, ये सब का निर्णय भी मैं ही ले रही हूँ। जैसा कि अभी इंग्लिश सेशन में बात हो रही थी, मैं कुछ बात कह रही हूँ, है ना। ये जो बात मैं कह रही हूँ, मेरी आवाज की ध्वनि आपके कानों तक पड़ रही है, उससे कुछ संवेदना उत्पन्न हो रही है। इसी के साथ साथ बाहर और भी बहुत सी आवाजें हैं, चिड़ियां बोल रही हैं, कभी बीच में मोर की आवाज आई, कुत्ता कोई भौंक रहा है, कोई गाड़ी पास से गई, कितनी सारी आवाजें हैं मेरी तरफ से। और जहां आप बैठे होंगे वहां भी बहुत सी आवाजें होंगी, प्रेशर की सीटी, कुकर की सीटी बजी, कुछ किचन में हलचल हुई, कहीं बाहर कुछ व्हीकल पास करी, बहुत सी आवाजें होंगी। तो आप किस पर ध्यान देते हैं, ये आप निर्णय पूर्वक कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें। तो निर्णय तो हम ही लेते हैं। अभी हमने निर्णय लिया कि ये आवाज जो अभी जूम पर आ रही है, इसको मुझे सुनना है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो मैंने डिसाइड किया। लेकिन बच्ची तैयार हो रही स्कूल के लिए, उसने वहां से आवाज दी, मम्मी या पापा एक बात सुनो, उस क्षण क्या हुआ, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने ये आवाज सुनना बंद करके वो आवाज पर ध्यान दिया और वहां बात करी। अभी क्या हुआ, संवेदनाएं तो वैसे के वैसे ही चल रही हैं, लेकिन मेरे लिए क्या उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने उस पर ध्यान दिया। और उस प्रोसेस में जब मैंने बातचीत पूरी कर ली और मैं वापस, मेरा ध्यान इधर आया, तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ बीच में से मिस हो गया मेरा, क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मैं वहां बिजी थी, है ना, क्योंकि मुझे लगा वो ज्यादा जरूरी है। फिर वो बात हो गई, फिर मुझे लगा अब वापस मैं इस पे आऊं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है मुझे। तो ऐसा चलता रहता है। तो हमें दिखेगा कि निर्णय तो हम ही लेते हैं, कौन सी संवेदना को कब पढ़ना है, कौन सा संकेत कब देना है शरीर को, ये सब निर्णय मैं ही लेती हूँ। और शरीर तो वही करेगा जैसा हम संकेत देंगे शरीर को। तो हम अपने अनुसार कुछ निर्णय लेते हैं और शरीर को संकेत देते हैं, शरीर से संवेदना पढ़ते हैं, और शरीर जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम संकेत देते हैं, उसके अनुसार शरीर वो काम करता है। तो हम शरीर का प्रयोग कर रहे हैं एक साधन की तरह, ये बात हो रही थी स्टेप 3 में। तो इस सेंस में मैं, ये जो बात कहते हैं ना, मैं दृष्टा, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं दृष्टा यानी मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो मुझे ये दिखा कि मैंने कोई संकेत दिया, मैंने कोई संवेदना पढ़ी, है ना, निर्णय मैंने लिया कौन सी संवेदना पढ़नी है, क्या संकेत देना है ना। तो जब मैंने देखा तो मैं दृष्टा हुआ, जब मैंने निर्णय लिया और उसके अकॉर्डिंगली कुछ संकेत दिया या कोई संवेदना पढ़ी निर्णय पूर्वक, तो मैं करता हुआ, क्योंकि शरीर तो वही करेगा जिसका मैंने संकेत दिया, तो अल्टीमेटली मैं करता हूं। और फिर जो भी दुख सुख, कुछ तकलीफ, कुछ गर्मी, सर्दी, दर्द, खुजली, खाज, ये सब चीजें कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन भोग रहा है,
तो वो भी मैं ही हूँ। आई एम द एंजॉयर और द एक्सपीरियंस, तो मैं ही दृष्टा, मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता, ये बात हुई थी, है ना। फिर जब हम स्टेप 4 पे आए तो हम ये बात कह रहे थे कि जब हम शरीर में कोई भी जो संवेदना हो रही है उसको पढ़ रहे हैं, तो हम उस पर ध्यान दें और देखें क्या मैं वो संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, या क्या मैं संवेदना से अलग हूँ। यही बात कल भी हुई थी और इसी का हमने गृह कार्य भी लिया था। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे या कोई प्रश्न है पहले से जो डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर, तो अभी हम उस बात को ले सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस को ले सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करेंगे तो ये बात हो सकती है। नमस्ते। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ दीदी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे इसमें एक स्टेप है, बोला गया कि कोई फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, पर जो ब्रेन में है, जो नर्व इम्पल्स है जो बॉडी में, उसी के थ्रू तो हम कुछ संवेदना ले रहे हैं। जो भौतिक रासायनिक चीजें हो रही हैं शरीर में वो तो हो ही रही हैं, है ना। बहुत से प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो ये सब फिजियोकेमिकल ही हैं रिएक्शंस, है ना। कोई केमिकल किसी से इंटरैक्ट करता है, कोई ऑब्जेक्टिव जो जो भी हमने खाया, खाना खाया वो हजम हुआ, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ ये सब फिजियोकेमिकल ही है जो शरीर में चल रहा है। हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो एक्सचेंज हो रहा है सेल्फ और बॉडी के बीच में, वहां कुछ फिजियोकेमिकल नहीं है। जहां तक बॉडी का कंसर्न है, वहां तो सब कुछ चल ही रहा है जो फिजियोकेमिकल है। तो इसी तरह ब्रेन में भी जो चीजें हो रही हैं वो सब एक तरह से फिजियोकेमिकल ही है। लेकिन जहां हम ये बात कह रहे हैं कि हमने कोई संवेदना पढ़ी, तो उसमें हमने क्या पढ़ने का क्या प्रोसेस हुआ, मैं चैतन्य ने उस पर ध्यान दिया, उसको ऑब्जर्व किया, ये प्रोसेस में कुछ फिजियोकेमिकल ट्रांसफर नहीं हुआ। मैंने उस पर ध्यान दिया और मैंने उसको पढ़ लिया, बाकी जो भी प्रोसेस हुआ वो मेरे अंदर, मैंने उसको जो भी अर्थ दिया और वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है बिटवीन सेल्फ और बॉडी, जो इंटरेक्शन है, उसमें कुछ फिजियोकेमिकल नहीं हो रहा, ये बात हो रही। शरीर में तो बहुत कुछ हो ही रहा है फिजियोकेमिकल, ठीक दीदी, है। ये उसमें बात किस तरह ट्रांसफर हो रहा है सर, उसको कैसे ट्रांसफर समझ। होना, यानी अब हम क्या है ना कि हम इसी उससे सोचते हैं कि जैसे कि शरीर में सब होता है, तो हमने कहा ट्रांसफर यानी इधर से उधर कोई चीज गई तो हमने ट्रांसफर कहा। लेकिन आप देखिए कि जैसे हम कुछ देख रहे हैं, है ना, अब हम उस पर ध्यान देते हैं, हमें वो दिख जाता है ना। तो उसमें कुछ ट्रांसफर ऐसा शरीर से वहां बॉडी में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि कुछ फिजिकल बॉडी कुछ फिजिकल दे रही है सेल्फ को, ऐसा नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि हम जो भी चल रहा है बॉडी में उस पर हम ध्यान देते हैं, हम उसको देख पाते हैं, तो उसमें कुछ फिजिकल शरीर से सेल्फ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ भी फिजिकल नहीं है, रियलिटी है, एग्जिस्ट करता है ना। इसको थोड़ा और बारीकी से देखने का प्रयास कर सकते हैं। बसंत कुमार जी, कुछ कहना तो ये चाहते? और किस तरह बारीकी से और आगे कैसे इसको थोड़ा देख सकते हैं? वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे और जैसे जैसे हम ध्यान देते जाएंगे, वैसे वैसे
हमारी जो ये प्रोसेस है वो और शार्प होता जाएगा। क्षमता हम सब में है, एक जैसी है, पोटेंशियल सबका एक है, कि हम अल्टीमेटली ये सब प्रोसेस को बहुत क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन हम उस पर कितना समय बिताते हैं, उस पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो डिसाइड करेगा हम उस पर कितना ध्यान देते हैं, है ना। और फिर धीरे 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 शुरू में ऐसे लगेगा कि कुछ ही नहीं दिख रहा। आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि शुरू में जब हम अंदर ध्यान देने जाते हैं तो हमें कुछ कुछ नहीं दिखता, ब्लैंक है। हुआ था क्या ऐसा अपने जी अंदर? दीदी, हाँ, जी दीदी, तो बिल्कुल। अब उस समय ऐसा लगेगा कि हम क्या देख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, हम तो ब्लैंक हैं। अब हम उसको छोड़ दें, उस पर ध्यान ना दें तो नहीं दिखेगा, लेकिन हम उस पर बने रहें, ये निर्णय लेके बैठे रहें कि हमने देखना है, जो भी है हमने देखना है, और उस पर ध्यान देते रहें, तो धीरे 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 ऐसा दिखा कि हाँ भाई कुछ विचार तो चल रहे हैं। लेकिन फिर ये बात आई कि विचार तो चल रहे हैं लेकिन उसके पीछे का आप बोल रहे हैं भाव, भाव तो हमको दिख नहीं रहा। लेकिन फिर वही निर्णय पूर्वक उस पर ध्यान देते रहें, धीरे 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 वो भी दिखने लगा कि हाँ विचार के पीछे कोई भाव भी है। नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं, उस पर ध्यान देते रहे, दिख जाएगा इवेंचुअली, है ना। तो ऐसा मतलब ये प्रोसेस ऐसा है कि हम जितना जितना ध्यान देंगे उतना उतना हमको धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो उस पर बने रहें और आगे जैसे जैसे चलेंगे वो दिखते जाएगा। ठीक है ये? जी जी धन्यवाद दीदी। नमस्ते। नमस्ते। दीदी, जैसे ये संवेदना को देखने के लिए, जैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस जो हुआ था, मुझे लगता है कि करीब 10 साल पहले, एक बीच 7 दिन सेशन था, तो मैंने मुझे सारा आवाज प्रोसेस नहीं आ ज्वाइन की थी। रही है। और उसके बाद मुझे याद है कि उस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन था शाम को, और मैं दोपहर में आकर के। हाँ दीदी, अभी आवाज ठीक हुई? हाँ, आ रही है, अभी आ हेलो रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, बताइए। तो दोपहर में हम विश्वनाथ मंदिर है बीच में ही, तो वहां पे बैठ के हम थोड़ा ध्यान में रहे। तो उसके बाद जो है मुझे एहसास ऐसा हुआ, मुझे यार बहुत इंटेंसिफाइली जो है, मैंने ऐसा लगा ना इसे शरीर मेरे से बाहर है, मतलब मुझे बड़ा अलग सा लगा कि ऐसा जो मैं अपना हाथ या पैर देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये मेरे से बाहर है और समथिंग आई एम डिफरेंट। और ऐसा एहसास दीदी पूरे दिन भर रहा उस दिन, मुझे याद है। और थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैं कि किस तरह का एहसास है। तो उस टाइम में संवेदना भी जो हो रही थी उस दिन भर, वो बिल्कुल ऐसा लगता था किसी जैसे दिस इज जस्ट आउटसाइड फ्रॉम मी। और वो अनुभव था करीब 10 साल पहले का, उसके बाद तो वैसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे इंसिडेंस आज भी मेरी मेमोरी में है। और मतलब उस दिन बड़ा सुख शांति का दिन था, कि जिस जी कोर्स मैंने 7 दिन का किया हुआ था वो 7वां दिन था, और मैंने बहुत ही अच्छे से किया था, तो काफी मतलब अंदर शांति थी। उस पे दीदी से मैं शेयर करना चाह रहा था। उस दिन बिल्कुल लगा मुझे कि, और ये पहला एहसास था, उसके पहले का ऐसा इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि ऐसा आपको लग मतलब सेल्फ अलग है और बॉडी अलग है, लेकिन उस दिन ऐसा मुझे लगा कि, तो मुझे लगा कि व्हाट इज दिस न्यू ऑब्जर्वेशन। वेरी नाइस। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि जब हम शांत हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ उथल पुथल नहीं है, तो हम और अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और हमें जी दिख सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हमने कुछ सुना और हम उससे बहुत प्रभावित हुए, तो हमने वैसा विचार बनाया और हमें लगा कि ऐसा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो दोनों को खुला रखेंगे। अल्टीमेटली हमें ये ना ये क्षमता तो हम में है ही। तो जैसे जैसे हम ध्यान देंगे, जैसे जैसे हम अपने अंदर शांत अपने आप को पाएंगे, और वो भी हमारे है ना, वो पॉसिबिलिटी भी हम उसको रियलिटी बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा एक्सरसाइज 1 में कैसे हम
अपने आप को, अपने भाव को, विचार को, अपने संस्कारों को अपनी सहज स्वीकृति के लाइन में ला सकते हैं। और जब जब हम ये सबको लाइन में लाते हैं तो हम अपने अंदर बहुत शांत होते हैं और एक क्लैरिटी के साथ हम ध्यान दे पाते हैं जिस पे भी हमें ध्यान देना है ना? हाँ दीदी, क्योंकि ना उस दिन मतलब मेरे पास उसके पहले कभी प्रपोजल नहीं था कि मैं और सभी अलग हैं, और वो मतलब 7 दिन जो रहे थे। हाँ आवाज चली गई। थे उसमें सुबह बिल्कुल अपने टाइम पे होता था, तो बड़ा बहुत ही, हाँ दीदी, बहुत ही डिसिप्लिन वे में चल रहा था वो 7 दिन। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ था, मुझे याद है। बहुत और अच्छा, वो चीज ठीक है। जैसे यूएचबी में जब हम आया ये प्रपोजल। हाँ दीदी, हाँ, उसको कंटिन्यू रखिए प्रोसेस को, है ना? पहले दिखा था तो आगे भी दिखेगा, है ना? नहीं तो मुझे लगता है कि दीदी उसके लिए ना से मुझे शांत जगह पे, जैसे हम 2-3 दिन बैठे शांत, ज्यादा बोलना बात करना ना हो, और अपने में हम अपने आप को देखने का लंबे समय तक थोड़ा रहे, तब ऐसा हो सकता है फिर से। देखिए, बहुत से तो प्रोसेसेस कभी ऐसा उचित ट्राई समय करे आता है गए तो हम हैं, उसको ध्यान देने की कोशिश बहुत से प्रोसेसेस ट्राई किए गए करते हैं। ये भी एक प्रोसेस है जो एक्सरसाइज 1 एंड 2 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम टोटली शांति, शांति यानी शांति अंदर, है ना? तो जी अंदर जी। हाँ, तो अपने अंदर शांति बनाए रहकर भी हम बाहर देख सकते हैं, हम बाहर इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो पूरी क्षमता हम में है। तो जो भी प्रोसेस आप अपनाएं, अल्टीमेटली देखना है जो भी आपके लिए बेटर काम करे, लेकिन अल्टीमेटली ये सब अपनी क्षमता है, और ये जो पोटेंशियल है इसको हम रियलिटी बना दें, अपने अंदर हम देख पाएं, इसी का प्रयास है ना? तो दीदी क्या यूएचबी में इस टेक्निक पे भी आगे कभी भी चल के बात होगी कि किस तरह की विधि भी अपना सकते हैं? क्योंकि तो एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर आप अंदर विरोध भाव ना चला रहे हो और ऐसा 2-3 दिन 4 दिन तक हो कि आप इंटरनली काफी शांत हैं, तो उस समय तो मुझे लगता है कि काफी स्पष्ट होना स्टार्ट होगा कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, और उसमें संवेदनाएं भी बिल्कुल लगेंगी कि हाँ बिल्कुल ही बाहर से आ रही है, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट। देखिए, मतलब हम अपने विचार को, अपने भाव को एक क्षण के लिए सजग होके ठीक रख सकते हैं, है ना? कुछ क्षणों के लिए भी ठीक रख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हैं हमारे संस्कार, हमारी एक्सेप्टेंसेस, क्या हमने माना हुआ है ना? जी उसके बेसिस पर फिर हमारे भाव चलते हैं। आगे जब बात होगी इसकी, जब स्टेप 5 पे भी आएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हमको दिखेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें सिर्फ विचार के लेवल पे या सिर्फ भाव के लेवल पर ठीक रहने से काम नहीं चलेगा। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे भाव को ड्राइव कर रहे हैं, उन पर भी हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस है, 2 3 4 दिन में होना मतलब कठिन हो सकता है, और प्रोसेसेस बहुत सारे हैं। ये वाला जो हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, ये बात शुरू में भी हुई थी। जी तो इसी प्रोसेस को हम आगे तक लेके जा रहे हैं, है ना? तो इस जी जी प्रोसेस में अभी एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया, लेकिन उसका जो काम होना है अपने अंदर, वो खत्म नहीं हुआ, है ना? वो तो जी एक शुरुआत थी। एक्सरसाइज 1 हमने शुरू किया, 7 स्टेप्स कंप्लीट करे, उससे एक आइडिया लगा कि ये पॉसिबिलिटी है अपने अंदर देख पाने की, लेकिन वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। डेली उस काम को करें, जैसे आपने कहा ना, आप शांत बैठ के एक जगह बिना ज्यादा बात करे इस प्रोसेस को करना चाहते हैं, जरूर करें। डेली डेली सुबह उठते हैं, एक आधा घंटा इसके लिए रख दें, है ना? जी जी बैठ के इस काम को करें, और फिर जो हम बात कह रहे हैं, हमारे में वो क्षमता भी है कि हम दिन भर में काम करते हुए, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, बातें करते हुए,
अपने अपने व्यवसाय करते हुए, वो समय भी हम ध्यान दे दे सकते हैं, है ना। ये पोटेंशियल भी है हम में, तो इवेंचुअली वही करेंगे, क्योंकि अब पूरा पूरा दिन तो हम एक जगह सबसे अलग हट के बैठे नहीं रह सकते ना। सब लोग बहुत कुछ करते हैं, परिवार का हिस्सा हैं, समाज का हिस्सा हैं, बहुत से काम होते हैं समाज में करने के, है ना। जी तो जी शुरुआत में ये जरूर करें कि अलग बैठ के आधा घंटा ध्यान दें, या उसको बढ़ाएं, जैसा भी जो भी ना आपके लिए उपयोगी रहे, उस प्रोसेस को जरूर करें। बट इवेंचुअली हम इंटरेक्ट करते हुए, सब काम करते हुए भी ये सब देख पाएंगे। उतनी क्षमता सब में है, पोटेंशियल है। ठीक है। अच्छा दीदी, उस समय का एक हम एक अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि वो जो मेरा दिन उधर बीते थे, उसमें जैसे ना अंदर से एक प्रेम की भावना काफी वो थी। मुझे याद है कि हॉस्टल में अगर एक दो बच्चों से या लड़कों से झगड़े झगड़े वगड़े भी थे पहले के, तो वो उसी दिन मैंने सुलटा लिए। और मतलब ये वो सारे ऐसे दिन थे ना कि जिस दिन काफी प्रेम रहता था बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। लेकिन वो फिर 10 दिन के बाद तो फिर अपने आप ही धीमे धीरे फेड अवे हो गया। लेकिन वो मेमोरी में आज भी मुझे याद है कि वो मेरे बड़े अच्छे समय बीते थे। और उसी समय हम जो है आज जब हम UHV को हम पढ़ रहे हैं या उसके प्रपोजल्स को हम ले रहे हैं, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेमोरी याद आती है कि उस समय काफी चीजें अच्छी हुई थी और अंदर में सुख और शांति भी काफी हद तक वो 10ों दिन रही थी साथ में उन्हें। देखिए, हमारी सबके अंदर ये जो सहज स्वीकृति है ना, संबंध के लिए, व्यवस्था के लिए, सह अस्तित्व के लिए, ये स्वीकृति तो सब में है, सहज स्वीकृति, है ना। और जब हमारा भाव विचार सब इसके लाइन में चलता है, तो हम अपने अंदर ये सब देख पाएंगे, है प्रोसेस को जारी रखिए। बहुत अच्छा नमस्ते। प्रणाम जी। नमस्ते। प्रणाम। दीदी। नमस्ते सभी को। दीदी, मेरा एक प्रश्न ये बन रहा है कि थोड़ा सा इस असाइनमेंट से डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति है जो हमारे परिवार में ही है और वो किसी समस्या में है, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाह रही हूँ, लेकिन वो मुझसे मदद लेने में कतरा रहा है या शर्मा रहा है, और उसको मदद की अत्यंत आवश्यकता है, तो क्या मुझे उस केस में मदद करनी चाहिए, या मैं कैसे करूं, मैं कैसे उस तक अपनी मदद पहुंचा पाऊं शारीरिक रूप में, ज्ञान के रूप में अभी नहीं, क्योंकि ज्ञान के रूप में आने के लिए उसको अभी पहले शारीरिक समस्याओं से मुक्त होना पड़ेगा। तो क्या दीदी, मतलब अगर मैं उसकी मदद जब भी करती हूँ सामने से जाके जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध भी, तो क्या दीदी ये चीज सही होती है, मतलब क्योंकि परिवार का एक जिम्मेदारी भी है इस तरह से। दीदी, ये क्वेश्चन था मेरा। देखिए, जो भी हम दूसरे की जब मदद करने की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो हम अपने अंदर सजग है कि नहीं उस समय, उस क्षण, है ना। क्योंकि अगर हम उस समय हमारा भाव विचार ठीक नहीं है, या हमें ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर ये प्रश्न उठते हैं, और ऐसा भी पाया गया है कि कभी कभी हम दूसरे को हमें ऐसा एक अपने अंदर वो होता है कि दूसरे ने ऐसा करना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा है ना। तो अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि दूसरा कुछ ऐसा करे, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरा दुखी है, आराम में नहीं है, मैं उसको कैसे आराम में ला पाऊं, ये एक और पॉसिबिलिटी है। आपको दिख रहा है डिफरेंस? जी, बिल्कुल। एक में हम दूसरे का व्यवहार या दूसरे का भाव सही करना चाह रहे हैं, दूसरे में हम अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम दूसरे को कैसे आराम में ला पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी तो जी जी जी
अगर हमारा व्यवहार सही रहे तो दूसरे को कोई आपत्ति नहीं है, है ना? जी जी अगर बिल्कुल मेरा भाव विचार सही है, मेरा व्यवहार दूसरे के साथ सही है, कोई कितनी भी परेशानी में हो, जी इससे वो और परेशान नहीं होगा। जरूरी नहीं कि उसकी परेशानी ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरा भाव विचार सही होगा, मेरा व्यवहार ठीक होगा, तो दूसरे की परेशानी बढ़ेगी तो नहीं, कम से कम, है ना? जी सबसे पहले ये प्रयास करें, है ना? जब बिल्कुल हम बिल्कुल अपने अंदर शांत होते हैं, जब हम हमारा अपना भाव विचार सही होता है, तब उस शांति के स्टेट में एक बड़े नेचुरल प्रोसेस में हमारा ध्यान दूसरे के दुख की ओर जाता है कि हम वो दुखी है, हम उसको कैसे हेल्प करते हैं, उसकी हम कैसे हेल्प कर दें। फिर हम जब दूसरे के पास जाएं तो उसकी बात सुने, वो क्या कह रहा है, क्योंकि दूसरा अगर दुखी है, अपने अंदर बहुत दुख से भरा हुआ है, तो वो जरूर एक्सप्रेस करेगा। अगर नहीं एक्सप्रेस कर रहा, तो फिर वापस जाके अपने अंदर देखें कि कहीं हमारा व्यवहार गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारा भाव तो ठीक नहीं है। मतलब अगर ठीक नहीं है तो भी वो दूसरा हिचकिचाएगा, या बताने से कभी कभी, जैसे बच्चों के साथ होता है, वो डर जाते हैं दूसरे के सामने कुछ बोलने को, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो हम बस जाके उनके पास सही व्यवहार, सही भाव, सही विचार रख के उनके पास बैठें और उनसे पूछें कि कुछ तकलीफ है, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या, है ना? दूसरे के चाहने के विरोध अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी पॉसिबिलिटी विरोध से स्टार्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, है ना? जी, धन्यवाद। इससे कुछ बिल्कुल आंसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, समझ में आ गया कि क्या कार्यक्रम बनाना है आगे। जी, धन्यवाद दीदी। तो एक 5 मिनट के लिए हम सब शरीर के किसी भी भाग में कोई संवेदना को देखें, और ये हो सकता है कि हम एक संवेदना से स्टार्ट करें, फिर हमारा ध्यान इधर उधर भटके, फिर किसी और संवेदना पे जाए, वो सब नोट करें, है ना? ऑब्जर्व करें, और जब भी हमारा संवेदना पर ध्यान जाता है, अपने आप से पूछें, क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना से अलग हूँ, इस पर ध्यान दें। और 5 मिनट के बाद फिर हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे थोड़ा सा स्टेप 5 को खोलेंगे। तो अभी मैं अपने आप को म्यूट कर देती हूँ और फिर आगे 5 मिनट में बात होगी। ठीक है, बढ़िया, 5 मिनट हो गए। तो अगर किसी के कोई ऑब्जर्वेशंस हो, आप देख पाए हो, तो आपके ऑब्जर्वेशंस अभी ले सकते हैं। देखना यह था कि हमारे अंदर कोई भी जो संवेदना को हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखें, क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, या क्या मैं संवेदना से अलग हूँ। और जब हम 5 मिनट के लिए इसको देख रहे हैं, तो पूरे 5 मिनट तो एक संवेदना पर नहीं टिकाए होंगे, तो कहाँ कहाँ हमारा ध्यान गया, हम कितना टाइम एक संवेदना को देखे, फिर उसके बाद हम सजग थे नहीं थे, कुछ अपने अंदर चला नहीं चला, कोई और संवेदना हमने पढ़ी, जो भी आप बताना चाहें इसके बारे में, तो आप जरूर शेयर करें, इससे सभी को हेल्प होगी। आंख बंद की, जो आंख बंद की जैसे मैंने, और अपने अंदर फोकस करने की कोशिश की संवेदनाओं पे, बस शरीर जो बाहर से आवाजें आने, जैसे मोटर चलने की आवाज आती है, उस पर थोड़ी देर ध्यान गया। फिर पंखे की हवा स्किन को टच कर रही, उस पर ध्यान गया।
और पर इसमें भी इसके फिर आगे क्या करना है वहां मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। उसको मैं देखने की तो कोशिश कर रहा हूँ पर उसके अंदर कुछ मतलब आगे किस तरह प्रोसेस करना है वो नहीं कर पा रहा मैं। और बीच में कभी ध्यान विचार पे चला जाता है, कुछ आगे जो करना है आज की जो शेड्यूल है उस पर ध्यान चला गया, फिर मैं उसको वापस लेकर के मतलब तो विचारों में जा रहा हूँ, तो वापस मेरे को संवेदना कोई देखना है वापस लेके आना अपना ध्यान। तो इसमें दीदी जो ये बाहर से जो शरीर से जो मिल रहा है जो भी इनपुट मिल रहा है तो उसको आगे किस तरह देखना है ये मैं पूछना चाहता वही तो अभी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ना ध्यान दे रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि कुछ समय हम शरीर पर ध्यान देते हैं, कुछ समय हम अपने में बिजी हैं, अपने में कुछ चल रहा है ये ध्यान ये हम देख पाते हैं, कभी कभी ये नहीं देख पाते कि अपने अंदर क्या चल रहा है, फिर बाहर आते हैं। तो ये सब प्रोसेस दिन भर में चलता रहता है। हम इसके प्रति सजग कितना रह पाते हैं वो शुरुआत में बहुत कम पीरियड होगा, बट जैसे जैसे हम ये ध्यान देते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो ये प्रोसेस है उसमें हमें और अच्छे से दिखाई देता जाएगा और समय के लिए दिखाई देता जाएगा। तो अभी तो मैं देख रही हूँ कि आप 10th बैच के हैं, तो अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो बहुत अच्छा है कि आप इतना देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे ये स्टेप में हम जो कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि जब आपने संवेदना को पढ़ा, आप ये इस पर ध्यान देने का कोशिश करें कि जो आपने संवेदना पढ़ी उसी में आप हैं या वही आप संवेदना आप हैं, या आप पढ़ रहे हैं संवेदना को और संवेदना आपसे अलग है। इस पर थोड़ा ध्यान दें। आज भी दिन भर में आप इस बात को देख सकते हैं, कोशिश करिए उस पर ध्यान दें। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, वो निर्णय लेकर बनाए रखिए और समय समय पर वो जब जब आप संवेदना पर ध्यान दें अपने आप से ये प्रश्न करिए, तो धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। ठीक है ये? जी दीदी धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी अभी 5 मिनट के ध्यान पे बैठे आप जब कर रहे थे तो उसमें जैसे शरीर में जैसे जो स्किन है उस पे हवा लग रही थी और कान में चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, फैन की आवाज़ आ रही थी। तो एक बात तो ये लगी कि जैसे मैं संवेदना नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि कभी चिड़िया की आवाज़ आ रही है, कभी किसी दूसरी चीज़ की आवाज़ आ रही है या किसी तीसरी चीज़ की भी आवाज़ आ सकती है। तो अगर ये हम ही हैं तो ये लगा कि नहीं हम संवेदना में नहीं हूँ और संवेदना नहीं हूँ तो उसमें उसके अंदर भी नहीं हूँ और मैं उसको बाहर से ही देख रहा हूँ क्योंकि संवेदनाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। तो अगर मैं संवेदना होता या संवेदना में होता तो एक ही ढंग का एहसास हमेशा होना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं है और इस वजह से न मैं संवेदना हूँ और न मैं संवेदना में हूँ। तो कम से कम लॉजिकली या फील भी थोड़ा मैं कर पा रहा था इस चीज़ को बढ़िया, और बहुत ये अच्छा, लग रहा था संवेदना से अलग। जी दीदी बढ़िया, बहुत अच्छा। इसी प्रयास को बनाए रखिए और धीरे धीरे और आगे हाँ दिखते जाएगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी नमस्ते। सभी नमस्ते। भैया बहन दीदी को नमस्ते। दीदी पिछले 8-9 दिनों से कुछ ऐसी वो थी जो बाह्य वो था कुछ उनकी वजह से थोड़ा सा परेशानी में हूँ। मतलब वैसा कुछ नहीं लेकिन पर हाँ किसी कारणवश मतलब मेंटली थोड़ा सा और फिजिकली भी थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ। तो कल रात मैं जब अपने घर आया वापस कहीं से और मतलब उस मैटर को सुलझाने के लिए गया हुआ था लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, वापस घर आ गया रात में करीबन 7 बजे घर पहुंचा और
ठीक हुआ। फिर आज सुबह क्या होता है दीदी? मैं आज सुबह का 1 घंटा मेरा जो अब सुबह वाला इंग्लिश वाला सेशन है उसको मैं अपने गार्डनिंग के उसमें ही सुनता हूँ। तो फिर जब मैं अपने घर आ रहा था तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के कमरे पर आ रहा था तो मेरा पेट है वो सुबह मुझे देख के भौंका। अब समझ लेना है दीदी, मेरे मन में जो चल रहा है वो तो खैर चल ही रहा था कि मतलब मैं परिस्थितियों में कैसे इस तरह से हो गई, परिस्थितियां हो गई। अब वो पेट क्या होता है कि मुझे, मेरा पेट है मुझे, अब जब मैं अंदर आया तो मैंने उसको हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर मैं अंदर आ गया तो फिर उसने फिर 2 बार भौंका मुझे। जब वो भौंकता है तो मुझे उसके पास जाना होता है कि मतलब उसको दिक्कत क्या है। तो वो आया, उसने मुझे भौंका, आवाज दी तो मैं गया। वो मेरे अपना सिर मेरे हाथ में रख के मतलब बिल्कुल, और उसकी आंखों में जो एक वो थी, एक मतलब बहुत जिसको कहेंगे करुणा किस्म की मेरे प्रति, या तो वो संवेदना को मैं देख रहा था कि मतलब क्या ये संवेदनाएं दोनों तरफ होती है कि मतलब कोई जरूरी कि इसमें मानव ही हो या ह्यूमन बॉडी इसमें ऐसा हो या ह्यूमन ही के अंदर ही संवेदनाएं होती है यहाँ की, तो उसी पर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था। देखिए, इस ये सब अब थोड़ा मिक्स हो गया है जी ना। दीदी जी संवेदना जब हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सेंसेशन को जो शरीर में हो रहे हैं, है ना। जी जी जब हम किसी संवेदना पर ध्यान देते हैं, जी उसको हम पढ़ते हैं, फिर जी हम उसको कुछ अर्थ देते हैं, जी उसके बेसिस पर हमारे अंदर कुछ चलता है, कुछ विचार जी है, कुछ भाव है ना। तो संवेदना, अभी हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने शरीर में जो संवेदनाएं चल रही हैं उन पर ध्यान दूं, है जी ना। जी तो अभी दूसरे को अभी अलग रख देते हैं फॉर सम टाइम। पहले जी हम अपने शरीर की बात करें, अपने शरीर में जो संवेदना चल रही है उस जी पर ध्यान दें, है ना। जी फिर ये भी देखें कि ये संवेदना पर ध्यान देते देते कहीं मेरा ध्यान वहां से हट गया और मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको मैं देखने लग गया। जी तो मेरे अंदर कुछ विचार है, कोई भाव है ना, जी कुछ ना कुछ चल ही रहा है वहां। लेकिन कभी कभी हम उस पर भी ध्यान देते हैं, हालांकि हमारी क्षमता है, हमारे में पोटेंशियल है कि हम पूरा समय उसके प्रति सजग रहें। लेकिन जी आपको दिखेगा कि ऐसा अक्सर होता है कि हम हमारा ध्यान अंदर कभी बाहर ऐसा घूमते रहता है, जी और कभी कभी हम अपने अंदर ही इतने उसी में घूम रहे होते हैं कि हमें हमें अपना भी होश नहीं रहता और शरीर का भी होश नहीं रहता। ये सब भी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। जी दीदी जी दीदी तो ये बात इसको थोड़ा ध्यान देके देखें अपने अंदर। जी और जब हम पेट की बात करते हैं, है ना, तो जी पहले हम ये प्रोसेस करेंगे अपने अंदर देखने का, फिर अपने साथ जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का, जी संवेदनाएं कहाँ कहाँ से आ रही हैं, फिर उसके जी बेसिस पे आगे चलेंगे। ठीक है, ये ठीक दीदी जी तो दीदी अभी ठीक थोड़ा दीदी सा मैं ब्रीफली स्टेप 5 को ओपन कर देती हूँ, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे और। तो जी दीदी जी जब थैंक हम यू दीदी थैंक यू दीदी जी तो अभी जब हम अपने शरीर में कोई संवेदना हो रही है उसको देख रहे हैं, तो अभी तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो ये संवेदनाएं कहाँ कहाँ से आ रही हैं उस पर एक ब्रीफ 1 मिनट की बात कर लेते हैं, फिर कल इस पर और बात करेंगे। तो कभी हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, मैं आपसे कुछ बात कह रही हूँ, ये आवाज आप तक पहुंच रही है जूम के माध्यम से, आपके कानों पर इसकी ध्वनि पड़ी और उससे आपके शरीर में कुछ संवेदना हुई, ये एक पॉसिबल सोर्स है कि कोई दूसरे के बातचीत से, दूसरे के व्यवहार से हुई। फिर अगर आप एनवायरनमेंट को देखें, बाहर गर्मी है, सर्दी है, आपको पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है, उसकी हवा आपके स्किन पर ना आपको महसूस हो रही है वो संवेदना,
तो ये एक और सोर्स हो सकता है संवेदना का, बाहर से, या खाना रखा हुआ है उसकी खुशबू आ रही है, उसको आपने सूंघा, वो और एक तरह की संवेदना। तो ये बाहर का एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई संवेदना जो शरीर में ना आप ध्यान दे पा रहे हैं। फिर एक ये भी हो सकता है कि शरीर में बहुत से प्रोसेसेस चल रहे हैं, कल खाना ज्यादा खा लिया था तो अभी शरीर में कुछ ना, पेट में कुछ आवाजें आ रही हैं, मूवमेंट कुछ महसूस हो रहा है, ये एक और तरह की संवेदना जिसका सोर्स है शरीर के अंदर से ही, जो बाहर से अभी ना किसी और के व्यवहार से नहीं, बाहर के किसी क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं, बाहर के कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, ये शरीर के अंदर ही है। और एक फोर्थ सोर्स हो सकता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे अंदर कोई भाव उठा है ना, और उसकी वजह से कुछ शरीर पर प्रभाव पड़ा, वो संवेदना को हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश सेशन में बात हो रही थी कि हमें कुछ एंजाइटी हुई, हम किसी चीज से घबरा गए, और फिर हमने, हमारा ध्यान शरीर पर गया और हमने नोटिस किया कि हमारे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है ना। तो ये एक फोर्थ सोर्स हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आज असाइनमेंट पे ये करेंगे कि ये जो संवेदना को हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से इसका सोर्स है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कल इस पर और बात करेंगे और आपके ऑब्जर्वेशंस लेंगे।